मैंने एक ही बात दुनिया में जानी कि अगर आपको अपनी परछाई बड़ी करनी है ना, और परछाई का मतलब क्या है, नाम धन यश संपत्ति, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं और सम्मान, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आपको बड़ी करनी है ना, तो आप अपने आप को बड़ा करो अंदर से। ये सब चीज़ें आपके कारण पैदा होती है दोस्तों, आप हो तो परछाई बनती है ना, जब आप ही नहीं तो क्या परछाई बनेगी। तो मैंने कभी भी परछाई की तरफ ध्यान नहीं दिया कि परछाई मेरी 4 फीट की है कि 10 फीट की है, मैंने इस बात को ध्यान दिया कि मैं अपने आप को मांझता जा रहा हूँ, पॉलिश करता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ और अपने आप को बड़ा करता जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से हम सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड, भय और भ्रमों से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं और आपके जीवन की जो सरलता है, सहजता है, जो वैज्ञानिकता है, उसके साथ हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसका पर्पस क्या है, उसको ये सब जान करके हमें करना क्या है दोस्तों, हमारा जो अधिकार है परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद, हमें उसको प्राप्त करना है। दोस्तों आज मैं वो विषय लेने जा रहा हूँ कि आपके सोच में बदलाव आते ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। दोस्तों अगर सोच में बदलाव नहीं आता ना, तो आपके जीवन में भी कभी बदलाव नहीं आएगा। तो मेरे जीवन में एक सोच ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। दोस्तों मैं 20 साल की उम्र में, मेरी सोच बहुत छोटी थी क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से था और भिक्षावृत्ति करके हमारा जीवन चलता था और हम लोग ब्राह्मण लोग तो साधना करते थे और घर घर जाके आटा चावल दाल मांग के लाते थे। तो मेरी सोच कितनी होगी, मैं सोचता था कि भैया मैं भी किसी तरह ग्रेजुएशन तो कर ही लूँगा और 2-4 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और मुझे भी 2-4 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और मेरी भी शादी वादी हो जाएगी और 2-4 बच्चे हो जाएंगे, बस हो गया मेरी ज़िंदगी, मैं इतना ही सोचता था। लेकिन उस समय मेरा थोड़ा संगीत का शौक था और मैं ऑर्केस्ट्रा भी रन करता था। उस समय क्या हुआ, मेरी सगाई हो गई तो लड़की वाले ने ये कह के सगाई तोड़ दी, क्या मेरी बेटी को ढोल बजा के नचवाएगा। तो मुझे बहुत झटका लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे भीतर आक्रोश फूट पड़ा मेरे अंदर से। मैंने उसको कहा, बेटा अब मैं इतना बड़ा आदमी बन के बताऊंगा कि तू मुझे छोड़ के पछताएगा, क्योंकि मैं छोटा समझ कर उसने मुझे छोड़ा था ना, कि मैं एक समझो कि मतलब संगीतकार हूँ। तो अब उसके बाद मैं रात दिन सोचने लगा कि मैं बड़ा कैसे बनूँ, मैं बड़ा कैसे बनूँ। तो दोस्तों बड़ा बनने के लिए मैं किताबें पढ़ने लगा, जो मोटिवेशनल, जो आजकल कई तरह की जो किताबें अब कई उस समय भी मिलती थी, स्वेट मार्डन वगैरह थे, नेपोलियन हिल्स थे। तो मैंने उन किताबों को पढ़ते पढ़ते ये महसूस किया कि ये जितने दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, ये सब छोटे से बड़े हुए हैं, यानी कि गरीबी के स्तर से ऊपर उठकर और 10 बार हार हार कर भी उन्होंने अपने जीवन की सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। तो मेरे दिमाग में क्या आया मालूम है कि अरे जब ये लोग इतना गरीबी से उठकर इतनी ऊंचाई को छू सकते हैं, तो यार मैं क्यों नहीं छू सकता। मतलब क्या वो स्पेशल है क्या, क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है क्या, हम क्यों नहीं उठ सकते। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं उनकी तकदीर थी, नहीं, मेरे दिमाग में आया कि इफ दे कैन व्हाई कांट आई, अगर वो इस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं भाई, मैं भी प्राप्त करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं भी। तो दोस्तों सबसे पहले सोच में बदलाव तो आया, तो मैं तो आज उस सगाई तोड़ने वाले को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भैया तूने इतना अच्छा काम किया कि तूने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया। तो मेरा मानना क्या मालूम है, शेर तो सबके अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ना आपको उंगली करने आया हूँ कि जाग जाओ, तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम्हारे अंदर सब छुपे हुए हैं, अब तुम चाहो तो उसको बाहर निकाल लो। तुम चाहे तो अंबानी टाटा को बाहर निकाल लो और तुम चाहो तो अपने अंदर से बुद्ध महावीर को बाहर निकाल लो, कि तुम चाहे तो आइंस्टीन और उसको बाहर निकाल लो।
सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हम खोदते भी नहीं हैं और हम एक सीमित दायरे में रहकर अपने जीवन को जी जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं सोचा, और जब मैंने अपना क्षेत्र चुना, क्योंकि मुझे तो नेचर, मेडिटेशन, योग और ध्यान, इन सब चीज़ों में रुचि थी, तो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का क्षेत्र अपनाया। और उसमें जब मैं डॉक्टर बना और मैंने मुंबई में जब हॉस्पिटल खोला चौपाटी के ऊपर, तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मैं ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं अपनी यूनिकनेस क्रिएट करूंगा। दोस्तों, कभी भी एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो ना, और अगर आप अपनी कोई विशेषता और यूनिकनेस अगर आप क्रिएट नहीं करोगे ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। कौन पूछता है ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट को, कौन पूछता है ऑर्डिनरी डॉक्टर को, कौन पूछता है ऑर्डिनरी इंजीनियर को, कौन पूछता है ऑर्डिनरी आर्टिस्ट को? दोस्तों, आपको अपनी विशेषता पैदा करनी पड़ती है। तो मैं क्या विशेषता पैदा करूं मेरे फील्ड में? तो मैंने कहा मैं एक ऐसी बीमारी पे काम करूंगा जिसके ऊपर दुनिया में आज तक किसी ने इतनी डिटेल में या गहराई में काम नहीं किया। तो दोस्तों, आज से 40-45 साल पहले मैंने कैंसर की डिजीज के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम था, और वो भी नेचुरल वे से, क्योंकि दुनिया में ऐसे डॉक्टर नहीं के बराबर ही थे। तो मैंने कैंसर पे काम करना शुरू किया, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि द मोर चैलेंजेस यू टेक, द मोर यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आप चैलेंज ही नहीं लोगे ना, तो आप अपने आप को खोद भी नहीं पाओगे और आप अपने आप को जान भी नहीं पाओगे। तो मैंने उस चैलेंज को अपने हाथ में लिया और मुझे ज़बरदस्ती स्टडी करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, खुदाई करनी पड़ी, और मुझे समस्याओं से जूझना पड़ा। तो उसके कारण क्या हुआ, मैं सफल हुआ, बहुत ज़बरदस्त सफल हुआ बता रहा हूँ। और उस सफलता के कारण दोस्तों, मैंने अब तक 177 इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त कर लिए। दोस्तों, मैंने कोई अवार्ड के लिए काम नहीं किया, दोस्तों मैंने कोई समृद्धि के लिए भी काम नहीं किया, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने एक ही बात दुनिया में जानी कि अगर आपको अपनी परछाई बड़ी करनी है ना, और परछाई का मतलब क्या है, नाम, धन, यश, संपत्ति, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, और सम्मान, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आपको बड़ी करनी है ना, तो आप अपने आप को बड़ा करो अंदर से। ये सब चीज़ें आपके कारण पैदा होती है। दोस्तों, आप हो तो परछाई बनती है ना, जब आप ही नहीं तो क्या परछाई बनेगी? तो मैंने कभी भी परछाई की तरफ ध्यान नहीं दिया कि परछाई मेरी 4 फीट की है कि 10 फीट की है। मैंने इस बात को ध्यान दिया कि मैं अपने आप को मांजता जा रहा हूँ, पॉलिश करता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, और अपने आप को बड़ा करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में भी हो ना, याद रखना, चैलेंज लेने की आदत डालो, तो तुम्हारा वैल्यू बनेगा मार्केट में। लोग तुम्हें पूछेंगे, क्योंकि तुम चैलेंज जब लेते हो और उसमें सफल होते हो ना, तो तुम्हारी एक इमेज और वैल्यू बनती है मार्केट में। तो दोस्तों, मेरी भी बनी, और उसके कारण मुझे दुनिया में इतने अवार्ड्स मिले, और उसके कारण मेरे जीवन में थोड़ी समृद्धि की तरफ मैं आगे बढ़ पाया। तो कहने का मतलब क्या मालूम है, ना कोई नाम की कमी है, ना कोई पैसों की कमी है, ना कोई धन की कमी है। दोस्तों, कमी है तो आपके अपने अंदर, और मैंने इस कमी से छुटकारा पाया और मैंने उस ऊंचाई को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस संसार में सफलता और अमीरी पाना बहुत आसान है। आसान का मतलब है परछाई को लंबा करना आसान है, सिर्फ आप अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए अपने आप को बड़ा करो, एक दिन सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और आज भी दोस्तों, आज मैं 72 इयर्स की एज में बताने जा रहा हूँ, मैं ये कभी मान के नहीं चलता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत जानना है। तो दोस्तों, जब तुम बहुत जानने के लिए प्रयास करोगे ना, तो तुम पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ओपन रहेगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें रास्ता मिलेगा। और दोस्तों, आज भी मैं सीखता रहता हूँ, आज भी मैं लोग जानने की कोशिश करता रहता हूँ, आज भी मैं रचनाएं करता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि क्या जानते हैं हम लोग, किसके ऊपर हम अहंकार करें? तो दोस्तों, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि द मोर यू पॉलिश द मोर यू ग्रो। तो इस भावना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आ गई कि अपने भीतर के शेर को जगा दो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, और अगर सोते रहने देना है तो वो भी भैया तुम्हारी चॉइस है। तो चलिए, मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय के साथ।